हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग की मैं ड्रिंक बना रही हूँ, और आजकल ना मैं ऐसे बना रही हूँ अपनी ड्रिंक। मैंने थोड़ी सी मेथी ली है एकदम, और थोड़ी सी अजवाइन ली है, और थोड़ा सा ही लिया है जीरा। तो मैंने आजकल ये तीन चीज़ों का पानी ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी होने लगी है ना। मेथी पानी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि मेथी ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और गर्मी भी होने लगी है। इससे ना हमारा बीपी भी हाई होता है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैंने आजकल इसी तरीके से पानी ले रही हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करो, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है ना, तो ये मेथी पानी और अजवाइन पानी ना नुकसान देता है। तो देखिए मैंने इसको खूब उबाल लिया है, बस मैं इसको छान कर पी लूँगी अब। और इससे पीने से ना मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और हल्का सा मैं इसमें डाल लूँगी अपना विनेगर। विनेगर भी मैं आजकल इसमें ही डाल रही हूँ, एक चम्मच। ये देखिए विनेगर है, ये भी मैं इसमें ही डाल लूँगी। और बस इसको मैं अब सीप सीप कर कर पीऊँगी। थोड़ा गुनगुना ही हमें पीना है, एकदम तेज भी ना हो और एकदम ठंडा भी ना हो। तो देखिए मैं लेकर बैठ गई हूँ अपनी ड्रिंक, और स्ट्रो से पीती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो में कि मैं स्ट्रो से ही पीती हूँ, तो बस मैं इसको बैठ कर पी लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया है, चाय बना रही हूँ। और आज दिन है संडे का, मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखिए दोनों बच्चों की चाय है और रस है। तो मैं नाश्ता बाद में करूँगी, मैंने बच्चों का नाश्ता लगा दिया है। और बाहर मैंने लगा दी है अपनी मशीन, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं एक घान। बस मैं अपने कपड़े कंघाल लूँगी अब। और ये देखिए गाइस, ये मेरी दूसरी ड्रिंक है। एक और ड्रिंक लेती हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक ड्रिंक और लेती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही कि मैं क्या लेती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने नाश्ता लगा लिया है अपना, एक एप्पल लिया है और बस थोड़ा सा पपीता लिया है। आजकल का पपीता ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मीठा आ रहा है एकदम, तो मैं पपीता ले रही हूँ आजकल ज़्यादा। तो देखिए आ गई हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए, और बस अपने काम के साथ साथ भी ना मैं अपने ऊपर भी ध्यान देती रहती हूँ कि हाँ मेरा पानी का टाइम हो गया है, अब मेरा क्या खाने का टाइम है। तो बस मेरा काम भी चलता रहता है साथ साथ में, और अपने ऊपर भी ध्यान देती रहती हूँ। तो देखिए बस मैं कपड़े डाल दूँगी, मेरे ना और सारे कपड़े धुल गए थे, बस ये लास्ट का घान बचे थे। तो बस मैं इनको अब डाल दूँगी और फिर जाके नीचे चलूँगी। तो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे। मैंने ना अपना पानी रख दिया था, और आजकल ना मैं इसके नाप से पानी पी रही हूँ। इसमें ना पूरा 1 लीटर पानी आता है, तो बस मैं इसको पी लेती हूँ। तीन गिलास इसमें बनते हैं, ये जो बड़े वाला गिलास है ना, बस वो 3 गिलास बनते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा कर लो फिर भी हमें गर्म कर 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 ही पीना होता है। तो देखिए मैंने अपना पानी पी लिया है, और इधर चढ़ा दी है मैंने दाल। खाने में मैं बनाऊँगी दाल, तो बस यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दूँगी और फिर अपना छौंक वोंक काट लूँगी। तो देखिए गाइस, दाल मेरी बन गई है। पहले मैं भगवान जी की दाल निकाल दूंगी हींग और जीरे में, फिर जाके मैं प्याज में छोंक लूंगी। और गाइस आज ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा वज़न कितना था और कितना हो गया है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप शेयर नहीं करते हो कि आपका वेट कितना था पहले और अब कितना है, कितना आपने कम किया है 32 बार से। तो बस वो भी मैं आज आपको बता दूँगी। वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो बस आज मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो देखिए दाल छोंक दी है मैंने, और बस मैं अब रोटी सेक के पहले कान्हा जी को भोग लगा दूंगी और फिर जाके मैं सबको खाना खिला दूंगी। तो देखिएगा इस दाल तो छोंक दी है मैंने, और यहाँ पे मैंने सेक ली है रोटी। तो बस कान्हा जी को भोग लगाऊँगी, पहले हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो बस 2 रोटी बना के कान्हा जी को भोग लगा दूँगी मैं। तो
तो जी ये देखिए सबको मैंने खाना खिला दिया है और ये है मेरी प्लेट। मैं ना सबसे बाद में ही खाना खाती हूँ। दाल ले ली है और एक रोटी और सलाद, मूली गाजर का अचार। तो चलिए खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद में। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने और ये देखो परी को भी बुखार अभी उतरा नहीं है। और बस मुझे तो बुखार नहीं है, सर्दी खांसी है। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मम्मी को लेकर गए हैं ये डॉक्टर के पास। तो गाइस खाना मैंने खा लिया है और मुझे ना खाना खाने में 20 से 25 ही मिनट लगते हैं, मैं कितनी भी आराम से खाऊं। और ये ना आपके खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ना कितना खाना लेकर बैठे हो। अगर आप पूरा खाना लेकर बैठते हो ना, एक रोटी दाल सब्जी चावल सलाद, तो आपको ना 35 से 40 मिनट लगेगी खाने में। ये मैंने देख रखा है खाकर, जब मैं पूरा खाना लेकर बैठती हूँ तो मुझे 35 या 40 मिनट लगते हैं। और अगर मैं एक रोटी और दाल सलाद लेके बैठती हूँ तो बस मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। चावल होते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है खाने में। तो गाइस खाना हो गया है। मेरी ना एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था कि मैं तो 32 बार से भी ज़्यादा खाती हूँ और मुझे 20 ही मिनट लगते हैं एक रोटी खाने में। तो हाँ सिस्टर, एक रोटी खाने में ना इतना ही टाइम लगता है। अगर आप ज़्यादा लेके बैठे हो ना खाना, या डेढ़ रोटी दो रोटी चावल, जब जाके आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और मेरे पास ना कमेंट आ रहे थे कल की वीडियो पे कि दीदी कि आप खाने के बाद पानी नहीं पीते हो, आप डायरेक्ट ग्रीन टी पीते हो क्या? तो हाँ सिस्टर, मेरा तो यही चल रहा है कि मैं ना पानी नहीं पीती हूँ। जैसे मैंने अभी खाना खाया है ना, मैंने जस्ट अभी खाना खाया है, अभी मैंने कोई पानी वानी नहीं पिया है, बस तुरंत आपसे बात करने बैठी हूँ खाना अपना निपटा के। तो जैसे मैं खाना खाती हूँ ना, अगर मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मैं पानी पी लेती हूँ, नहीं तो मैं ना एक घंटे बाद सीधा ग्रीन टी ही लेती हूँ। और फिर ग्रीन टी के भी एक घंटा बाद मैं पानी पीती हूँ। अगर मैं खाना खाने के एक घंटा बाद पानी पीऊँगी फिर एक घंटा बाद ग्रीन टी लूँगी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अगर आप पानी पियोगे ना तो आप ना खाना खाने के आधा पौन घंटा बाद पानी पीना और फिर इतने ही देर बाद आप ग्रीन टी लेना, क्योंकि हमें ना दोनों में इनमें गैप रखना है। एकदम से ग्रीन टी नहीं लेनी है और ग्रीन टी लेकर एकदम पानी नहीं लेना है, ठीक है? और एक सिस्टर का कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी क्या हम 32 बार में चावल खा सकते हैं क्या? तो देखो सिस्टर, मैं आपको ना यही बोलूँगी, आप डेली डेली चावल मत खाना। अगर आप अपना वेट कम कर रहे हो ना तो अपना डेली चावल मत खाना, और अगर खाओगे भी तो ना चावल उबाल के बनाना पसाकर। जैसे मैं तो हमेशा पसाकर ही बनाती हूँ चावल, निचोड़ते हैं ना, जो निचोड़ के चावल मांडे निकाल देते हैं। तो अगर आप ऐसे चावल खाओगे ना तो वो आपको कम नुकसान करेगा। और एक ब्राउन राइस आता है, अगर वो खाओगे तो वो भी। वैसे तो आप चावल कम ही खाना दो तीन दिन में। मुझे देखो कितने दिन हो गए चावल खाए, मुझे ना बहुत ज़्यादा दिन हो गया, बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा है चावल खाने का, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी बनाने नहीं दे रही है चावल बिल्कुल भी, सबकी तबीयत ख़राब है। देखो परी की भी, मम्मी की भी, गोलू भी कुछ कुछ ठीक है, कुछ हो रहा है उसको भी। तो अपना चावल ना ही खाओ तो अच्छा है, खाओ तो दो तीन दिन में। बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं चावल के, वो नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे घर में तो वैसे भी डेली नहीं बनते हैं चावल, दो तीन दिन में एक बार बनते हैं दोपहर में, और शाम को तो मैं कोशिश करती हूँ चावल ना बनाऊँ बिल्कुल भी। जब से 32 बार कर रही हूँ, जब से तो मैं शाम को चावल खाए नहीं है, बहुत कम शायद मेरे हिसाब से तो नहीं खाए है चावल। और एक कमेंट ये आ रहा है, जबकि मैंने बताया भी है कि मेरा कितना वेट कम हुआ है, लेकिन फिर भी आ रहा है, तो मैं आज फिर बता देती हूँ। उन सिस्टर का एक कमेंट ये आ रहा है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो आपका वेट कितना था और अब कितना है, तो मैं वो भी बताऊँगी आपको कि मेरा वेट जब से मैंने 32 बार स्टार्ट किया था ना, मैंने उसी दिन से अपना वेट किया था, तो मेरा वेट आया था 75, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि मेरा वेट इतना बढ़ गया होगा, क्योंकि हमेशा बढ़ता था, इतना होता था 71 72 तक पहुंचता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया था। जब मैंने किया ना तो मैं एकदम चौंक गई थी, मैंने कहा 75 मेरा वेट हो रहा है। लेकिन अब जब से मैं 32 बार कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, मेरा धीरे 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 वेट कम हो रहा है। तो गाइस जैसे मैंने बताया, मेरा 75 वेट था जब से मैं 32 बार करना शुरू किया था, और मैंने पूरा एक महीने में पूरा वेट किया है अपना, तो मेरा 6 किलो वेट कम हुआ था, तो मेरा 69 है अभी। और फिर मैं एक महीने बाद करूँगी, फिर आपके साथ रिजल्ट फिर शेयर करूँगी आपको कि कितना मेरा वेट कम हुआ है, ज़्यादा नहीं वो हो जाए 16 हो जाए मेरा वेट, 55 तो होगा नहीं, देखते हैं। वैसे करती रहूँगी तो हो जाएगा,
तो वो भी जैसा कैसा होगा मैं आपके साथ सब शेयर करती रहूँगी। और मेरे साथ ना बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मेरी जुड़ गई है जो मेरी वीडियो के जरिए से वो भी 32 बार कर रही हैं, तो सबको थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेरे साथ साथ करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी कोई वेट अपना कम कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी जब मैं अपना पहले वेट बढ़ रहा था ना, और मैं कम नहीं कर पा रही थी, सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन जब से मुझे 32 बार मिला है मेरी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई है। सब कुछ खाते पीते और हमें लग भी नहीं रहा कि हम अपना वेट कम कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ गए हैं तो उनको भी अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। तो बस वही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 32 बार के साथ साथ। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, थोड़ा मीठा अवॉइड करना है, चाय छोड़ दो तो अच्छा है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे आप उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो निकल रहा वो भी जल्दी जल्दी लग जाओ। तो चलिए गाइस, अभी मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ छत पे, और फिर जाके मैं ग्रीन टी लूँगी, और इस वीडियो का मैं अभी यहीं एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो परी, देखो मेरी परी की हालत कैसी हो गई। बहुत तेज, इसको ना 4 दिन हो गए, इसका बुखार नहीं टूट रहा है। दवाई दे दो तो ठीक है, फिर हो जा रहा है बुखार, तो कल टेस्ट करवाऊंगी इसका भी, देखते हैं। तो ठीक है, बाय बाय।